This is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 25 of class 5th super syllabus. आज की क्लास में हम ऐसी डिविजन्स करना सीखेंगे जिन डिवाइजर्स के लास्ट में जीरोज होती हैं। क्या बोला है मैंने कि अगर डिवाइजर के लास्ट में जीरोज हैं, तो डिवीजन करने का शॉर्टकट क्या होता है, आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। सपोज करिए आपने डिवाइड करना है 427095 को 300 से। मैंने आपसे बोला था डिवाइजर के लास्ट में जीरोज होंगी, किसके लास्ट में जीरोज होंगी, डिवाइजर के लास्ट में जीरोज होंगी, ठीक है। तो आपने क्या शॉर्टकट यूज करना है आइए समझते हैं। देखिए आपने 300 का टेबल नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बोला था डिवाइजर का टेबल याद होना चाहिए डिविजन के लिए, आपने 300 का टेबल नहीं पढ़ना है। आपने क्या करना है, लास्ट में कितनी जीरोज है, 2 जीरोज है, ठीक है, उनको अलग हटा दो, डिविडेंड में से भी उतने ही डिजिट्स अलग हटा दो, जितनी डिवाइजर के लास्ट में जीरोज थी उनको हमने अलग हटा दिया था, डिविडेंड के लास्ट में से भी आपने उतने ही डिजिट्स को अलग हटा देना है और बाकी बचे नंबर्स को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 4270 इसको किससे डिवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इसको आप सिंपल डिवाइड कर सकते हैं 3 से, क्या करोगे 3 1 3 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, फिर आप 2 नीचे लेके आओगे, 3 4 12, ठीक है, माइनस करने पे 0, आप नीचे 7 लेके आओगे, 3 2 6, ठीक है, 1 बचेगा, नीचे आप 0 लेके आओगे, 3 3 9, ठीक है, माइनस करने पे 1 बचेगा, आपकी डिवीजन फिनिश हो चुकी है, ठीक है। इस नंबर को हमने डिवाइड करना था 300 से, आप चेक कर लेना आपका क्वोशेंट आएगा 1423 और आपका रिमाइंडर क्या होगा, क्या रिमाइंडर 1 होगा, नहीं, ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा, आपने इन 2 डिजिट्स को भी यहां पे पेस्ट कर देना है, 95 था ना, तो आपने इसके आगे 95 लगा देना है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए क्वेश्चन है 3251 डिवाइडेड बाय 60। अब डिवाइजर के लास्ट में जैसे ही जीरो दिखे आपने इस जीरो को हटा देना है, ठीक है, एक जीरो है उसको हमने हटा दिया, तो आपने यहां से भी एक डिजिट को हटा देना है, डिविडेंड के लास्ट में भी एक डिजिट आप हटा दो, तो क्या बचेगा 325, इसको डिवाइड करना है किससे, सिंपल 6 से डिवाइड करना, ये जीरो को तो हमने हटा दिया था, ठीक है, आप इसको सीधा डिवाइड कर दो, अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, सीधा मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 6 5 30, माइनस करने पे 2 बचेगा, 5 नीचे लेके आए, 6 4 24, क्या बचा 1, ठीक है, डिवीजन फिनिश हो चुकी है, आप चेक करना तो आपका क्वेश्चन आएगा 54 और रिमाइंडर 1 नहीं होगा, क्या करना है, यहां पे जो आपने डिविडेंड में लास्ट का डिजिट हटाया था इसको भी इसके आगे लगा देना, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। बहुत ही इजी शॉर्टकट है और काफी यूजफुल रहेगा आपका कन्वर्जेंस में, ठीक है, आगे चैप्टर आएगा उसमें काफी यूज इसका होने वाला है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, देखिए इसको सॉल्व करना है फटाफट, 334701 को डिवाइड करना है 800 से, आंसर आ गया होगा सभी का। आपने क्या किया, यहां से 2 जीरो हटाई है तो यहां से 2 डिजिट्स आपने हटा दिए होंगे, ठीक है, और सिंपल आपने 3347 को किससे डिवाइड कर दिया होगा, 8 से, 8 4 32 लिखा, ठीक है, 1 बचा, 4 नीचे लेके आए, 8 1 8 लिखा, 6 बचा, आप 7 नीचे लेके आए, 8 8 64, 3 बचा, यहाँ पे डिवाइड फिनिश, ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा यही होगा जो आया है, और आपके रिमाइंडर में आपने क्या लगाना है, ये 2 डिजिट आपने हटाए थे ना 01, तो आपने यहाँ पे 01 लिख देना है, ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, सभी का ये आंसर होना चाहिए था। एक और क्वेश्चन आपने करना है, क्वेश्चन है 20700 डिवाइडेड बाय 5000, आंसर आ गया होगा सभी का। देखो डिवाइजर के लास्ट में हमने देखना होता है, डिविडेंड के लास्ट में है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने तो क्वेश्चन क्या करना है, जब डिवाइजर के लास्ट में जीरो हो तब ये शॉर्टकट काम करता है, 3 जीरोस थी इनको हटाया, तो यहां से भी आपने 3 डिजिट्स को हटाना था, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा आपका 20 और यहाँ पे क्या है आपका 5, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 4 20, ठीक है, यहाँ पे 0 बचा, तो ये तो आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या होगा, आपने यहाँ पे क्या था
700 था तो इसको यहाँ लिख देना है रिमाइंडर के आगे, ये जो भी नंबर बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो आई होप कि सभी का आंसर सही होगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि अगर डिवाइजर आपका क्या हो, 10, 100, 1000 इस टाइप का कोई नंबर हो तो आपने डिवाइड भी नहीं करना होता, सीधा आप क्वेश्चन का रिमाइंडर बता दोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखिए मैंने आपसे बोला है कि जब डिवाइजर हमारा 10, 100, 1000 इस टाइप का कोई नंबर हो तो आपने डिवाइड ही नहीं करना होता, बिना डिवाइड किए आप क्वेश्चन और रिमाइंडर बता दोगे। देखते हैं कैसे। देखिए आपने ध्यान रखना है 10 के लिए हमें नंबर को ब्रेक करना है, जो भी नंबर होगा ना, जो भी डिविडेंड होगा हमारा, उसको ब्रेक करना है एक डिजिट के बाद, किधर से, राइट साइड से। 100 के लिए 2 डिजिट से ब्रेक करना है, 1000 के लिए 3 डिजिट के बाद में ब्रेक करना है राइट साइड से। ठीक है, आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर आ जाएगा। समझ जाएगा एग्जाम्पल से कैसे, 273 को 10 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बोला 10 के लिए आपने क्या करना है, एक डिजिट के बाद में डिविडेंड को ब्रेक कर देना है राइट साइड से। ये डिविडेंड है ना हमारा, राइट साइड से एक डिजिट के बाद में। तो एक डिजिट मतलब यहां से ब्रेक कर दो, इधर आपका क्वेश्चन, इधर आपका रिमाइंडर। बहुत सिंपल है, करके देखो आप, 27 क्वेश्चन आएगा और 3 आपका रिमाइंडर आएगा। लॉन्ग डिविजन मेथड से भी करोगे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, आंसर फिर भी आपका यही आने वाला है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 8803 डिवाइडेड बाई 100, 100 के लिए क्या करना है, 2 डिजिट्स के बाद में ब्रेक करना है, इधर से 2 डिजिट्स 1, 2 यहां से ब्रेक करोगे, ये आपका क्वेश्चन और इधर आपका रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या होगा 88, रिमाइंडर क्या होगा 3 यानी 03। ठीक है, अब 1000 के लिए देखते हैं, 54070 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 के लिए क्या करना है, 3 डिजिट्स के बाद में ब्रेक करना है, 1, 2, 3 यहां से ब्रेक कर देना, ये क्या है आपका क्वेश्चन और इधर क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा 54, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 070 मतलब 70। आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 7350 डिवाइडेड बाई 100, 29758 डिवाइडेड बाई 1000, 3209 डिवाइडेड बाई 10, 53800 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए आंसर आ गया होगा सभी का। देखो आपने क्या किया, इसमें 100 था तो 2 डिजिट के बाद में ब्रेक कर दिया, 1, 2 यहां से ब्रेक कर दिया, इधर क्वेश्चन इधर रिमाइंडर, 73 क्वेश्चन 50 रिमाइंडर हो गया। इसमें क्या था, 1000 था तो 3 डिजिट के बाद में ब्रेक करना था, 1, 2, 3 यहां से ब्रेक किया, ये क्वेश्चन और ये इधर रिमाइंडर। इसमें कितना था आपका, 10 था तो 1 डिजिट के बाद में ब्रेक करना था, यहां से आपने ब्रेक किया, इधर क्वेश्चन और इधर रिमाइंडर। ठीक है, इसमें क्या किया होगा आपने, 100 था 2 डिजिट के बाद में ब्रेक कर दिया, ठीक है यहां से ब्रेक किया, इधर क्वेश्चन और इधर रिमाइंडर। 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और 538 आपका क्या है क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका मेजरमेंट चैप्टर में। ठीक है, आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं होगी अगर आपका डिवाइजर क्या हो, 10, 100, 1000 जैसा कोई नंबर हो। आई होप कि आपको चीज समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आप कोई भी डिवीजन अपनी बुक से इजीली सॉल्व कर सकते हो।